नंबर 10, द लिटिल थिंग्स एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे जॉन ली हैंकॉक ने लिखा और डायरेक्टेड किया है। फिल्म कैलिफोर्निया के 1990s के बैकड्रॉप में सेट है, जहां एक विशेष डिटेक्टिव जो दे के डीकन, डेंजल वॉशिंगटन, अपने पुराने पार्टनर जिम बैक्स्टर, रामी मालक की मदद करता है एक छलावाट खतरे को सुझाने में। दे के अपने अकेलेपन और गुज़िश्ता कुछ पर्सनल घटनाओं से जूझता है, जबकि अन दोनों को एक ब्रूटल सीरियल किलर की खोज में लग जाते हैं। जब उनका इन्वेस्टिगेशन तेज होता है, तब उन्हें लगता है कि उनके सामने कुछ और है जो नजर नहीं आता। यह फिल्म सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ भरी है, जिसमें पस्त के भूत और मोरल डिलेमस का सामना किया जाता है। द लिटिल थिंग्स एक डार्क एटमोस्फियर और इंटेंस परफॉर्मेंसेस के साथ आता है, जो ऑडियंस को अपने सीट पर बांधे रखेगा। डेंजल वॉशिंगटन, रामी मालक और जैरेड लेटो की पावरफुल परफॉर्मेंसेज और फिल्म का ग्रिपिंग नैरेटिव इसे एक कंपेलिंग क्राइम थ्रिलर बनाते हैं। इसमें सस्पेंस, क्राइम और जस्टिस के इंट्रिकेट खेल में छुपा एक अनोखा रूप दिखाई देता है, जो देखने वालों को अपने आप में खूबसूरत रूप से उलझा हुआ छोड़ देगा। नंबर 9, मॉन्स्टर हंटर एक एक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसे पॉल W.S. एंडरसन ने लिखा और डायरेक्टेड किया है। फिल्म एक पैरेलल वर्ल्ड में खेला जाता है, जहां मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। कैप्टन आर्टेमिस, मिला जोवोविच और उसकी यूनिट एक महाशक्तिशाली स्टॉर्म के बीच फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक नए और डेंजर फील्ड वर्ल्ड में चले जाना पड़ता है। इस नए दुनिया में आर्टेमिस और उसके साथी मॉन्स्टर से भरी जंगलों और खतरनाक क्रीचर से भिड़ते हैं। उनको अपनी सर्वाइवल के लिए नए स्किल्स और वेपन सीखने पड़ते हैं। उनकी जर्नी में एक मिस्टीरियस हंटर टोनी जा भी शामिल होता है, जिससे एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस बन जाती है। जैसे उनका संघर्ष बढ़ता है, वैसे ही उनकी अंडरस्टैंडिंग मॉन्स्टर्स के साथ और भी गहरी हो जाती है। मॉन्स्टर हंटर एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और फैंटास्टिकल लैंडस्केप्स हैं। पॉल W.S. एंडरसन का ये क्रिएशन वीडियो गेम फ्रेंचाइज मॉन्स्टर हंटर पर आधारित है और फिल्म व्यूअर को एक थ्रिलिंग एडवेंचर में ले जाता है, जहां हर कदम पर खतरा और रहस्य का सामना होता है। नंबर 8, द मिचेल्स V.S. द मशीन्स एक एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे माइक रियांडा और जेफ रो ने लिखा और डायरेक्टेड किया है। ये कहानी एक आम फैमिली द मिचेल्स के IRD गिर्द घूमती है, जब उनकी डॉटर केटी, वॉइस्ड बाय एबी जैकबसन, फिल्म मेकिंग पैशन में इंडल्ज होकर कॉलेज जाने के लिए तय करते हुए अपने फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर निकलती है। परंतु उनकी फैमिली वेकेशन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और दुनिया को कॉन्कर करने का प्लान बना रही है। कार्टिये और उसकी फैमिली को एब अपने क्वर्की स्किल्स का इस्तेमाल करके, एक दूसरे के साथ कलाबोरेशन करके और अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करके मशीन से लड़ने का सामना करना पड़ता है। फिल्म कॉमेडी, हार्टवार्मिंग फैमिली मोमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल केओस को ब्लेंड करता है। ये एक मैडकैप एडवेंचर है, जिसमें मिचेल परिवार को अपने यूनिक तरीकों से एक दूसरे के और दुनिया के साथ कनेक्ट होने का सफर करना पड़ता है। द मिचेल्स V.S. द मशीन्स एक एंटरटेनिंग और विजुअली अपीलिंग एनिमेटेड फिल्म है, जो टेक्नोलॉजी, फैमिली बॉन्ड्स और क्रिएटिविटी के बीच एक अनोखा मेल बनाता है। नंबर 7, द बॉस बेबी फैमिली बिजनेस एक एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, जो टॉम मैकग्रॉ द्वारा लिखा गया और डायरेक्टेड किया गया है। इसमें टिम टेम्पल्टन, वॉइस्ड बाय जेम्स मार्सडन, और उसके बड़े भाई बॉस बेबी टेड टेम्पल्टन, वॉइस्ड बाय एलेक बॉल्डविन, को वापस एक एक्साइटिंग एडवेंचर में देखा जाता है। अ फ्लैट बड़े हुए टिम अपने बच्चों टैबथा और टीना के साथ अपनी ऑर्डिनरी लाइफ गुजर रहे हैं, जब टेड एक नई फॉर्मूला ढूंढता है जो यूज बच्चों के जज्बातों को समझने और कंट्रोल करने की अनोखी शक्ति देता है। जब एक मिस्टीरियस बिजनेस टाइकून डॉक्टर अर्विन आर्मस्ट्रांग, वॉइस्ड बाय जेफ गोल्डब्लम, एक नई इन्वेंशन के जरिए दुनिया के बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, टैबथा और टीना टेड और टिम से मिलके बेबी कॉप को दोबारा एक्टिवेट करने का फैसला करते हैं। एफ्लैट ये भाई बहन दुओ एक जोरदार मिशन में लग जाते हैं, जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप और एक दूसरे के मदद से मुश्किल चैलेंजेस को पार करना पड़ता है। फिल्म फैमिली वैल्यूज, सिबलिंग बॉन्ड्स और चाइल्डहुड इनोसेंस के मधुर मोमेंट्स के साथ ह्यूमर और एक्शन को ब्लेंड करती है। द बॉस बेबी फैमिली बिजनेस एक कलरफुल एंटरटेनिंग एनिमेटेड फिल्म है, जो बच्चों और उनके परिवारों को एक मैजिकल जर्नी पर ले जाता है। नंबर 6, द मेनी सेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो एलन टेलर ने डायरेक्ट की है और डेविड चेज और लॉरेंस कॉनर ने लिखा है। यह फिल्म द सप्रानोस TV सीरीज का प्रीक्वल है और 1960s के नेवार्क, न्यू जर्सी में फोकस करता है। डिकी मोल्टिजन थी एलेसान्ड्रो निवोला, एक इन्फ्लुएंशियल मॉबस्टर, अपने नेफ्यू टोनी सप्रानो, माइकल गैंडल्फिनी को एंडरवर्ल्ड के इंट्रिकेसीज में इंट्रोड्यूस करता है।
है। फिल्म की कहानी में रेशियल टेंशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फैमिली डायनामिक्स को एक्सप्लोर किया गया है। न्यूयॉर्क के टर्बुलेंट समयों में टोनी सप्रानो अपने सराउंडिंग से प्रभावित होता है और अपने फ्यूचर एज अ मॉब बॉस की दिशा में बदलने लगता है। द मेनी सेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क में पावरफुल परफॉर्मेंसेज, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट हैं जो ऑडियंस को द सप्रानोज वर्ल्ड में ले जाते हैं। यह फिल्म नॉट ओनली क्राइम और माफिया जॉनर्स के शौकीन व्यूअर के लिए है, बल्कि इसमें स्टोरीटेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी एक नया रंग है। द मेनी सेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क एक इंट्रीगिंग जर्नी है जिसमें पास्ट और फ्यूचर के कनेक्शंस को एक्सप्लोर किया जाता है, जिससे द सप्रानोज के फैंस को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। नंबर 5, द 355 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे सिमो किनबर्ग ने लिखा और डायरेक्टेड किया है। ये फिल्म एक इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क को एक्सप्लोर करता है जिसमें एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ फीमेल एजेंट्स है। जेसिका चेस्टेन का कैरेक्टर माया एक CIA ऑफिसर एक सीक्रेट वेपन की खोज में निकलती है, लेकिन जब वो चोरी हो जाता है तो वो एक टीम बनाती है द 355 को रिट्रीव करने के लिए। माया के साथ इस टीम में है लिन मी शेंग, फैन बिंगबिंग, अ स्किल्ड हैकर फ्रॉम चाइना, खदीजा, लुपिटा न्योंगो, अ फॉर्मर ऑपरेटिव फ्रॉम द UK, ग्रासियला, पेनेलोपी क्रूज, अ कोलंबियन साइकोलॉजिस्ट एंड एस्पियनाज एक्सपर्ट, और मरियान डायन क्रूगर, अ जर्मन एक्स मोसाद एजेंट। इन 5 एजेंट्स की कोलैबोरेशन के थ्रू वो एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी के पीछे जाते हैं, जिसे रोकने के लिए उन्हें अपने यूनिक स्किल्स का यूज करना पड़ता है। फिल्म इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, सस्पेंसफुल प्लॉट और फीमेल एम्पावरमेंट को शोकेस करता है। द 355 एक यूनिक अप्रोच लेकर आता है जिसमें वुमेन लीड कैरेक्टर्स अपने इंटेलिजेंस और फिजिकल प्राउस से चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। यह फिल्म नॉट ओनली थ्रिलिंग है बल्कि एक मैसेज भी देता है कि टीमवर्क और यूनिटी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नंबर 4, द लास्ट ड्यूल एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसे रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया है और निकोल हॉलफ्सना, बेन एफ्लेक और मैट डेमन ने लिखा है। ये कहानी 14th सेंचुरी फ्रांस में बेस है जिसमें एक ब्रूटल जंगल में सिर जॉन द कैरुजर्स, मैट डेमन, अपनी पत्नी मार्गरेट द कैरुजर्स, जोडी कमा के लिए आर पार की जंग लड़ने के लिए चैलेंज करता है। जंगल के दूसरे तरफ से जाक ले ग्रीस, एडम ड्राइवर एक और नोबलमैन कैरुइस के खिलाफ खड़ा होता है। मार्गरेट का कहना है कि ले ग्रीस ने उस पर एक हॉरिफाइंग रेप अटेम्प्ट किया था और अब ये लड़ाई जस्टिस और हॉनर के लिए नहीं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भी। द लास्ट ड्यूल एक ग्रिपिंग कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल इवेंट को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म अपने व्यूअर को मेडिवल फ्रांस के जमाने में ले जाता है जहां सामाजिक नॉर्म्स और जेंडर डायनामिक्स का मुकाबला होता है। मैट डेमन, एडम ड्राइवर और जोड़िए कमर की परफॉर्मेंसेज और फिल्म का यूनिक नैरेटिव अप्रोच इसे एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। नंबर 3, रेमिनिसेंस एक साईफाई थ्रिलर फिल्म है जिसे लिसा जॉय ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है जिसमें मियामी एक पार्शली सबमर्ज सिटी बन चुकी है और लोग एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसे वो अपने मेमोरीज को रिवाइव कर सकते हैं। ह्यू जैकमैन का कैरेक्टर निक बैनिस्टर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जो लोगों के मेमोरीज में छपते हुए उनके पास्ट की सीक्रेट्स को रिवील करता है। जब निक एक मिस्टीरियस वुमन में रेबेका फर्गसन के केस में इन्वॉल्व होता है तो उसकी लाइफ एक ट्विस्टेड जर्नी में बदल जाती है। मैं के सडन डिसअपीयरेंस के बाद निक अपने मेमोरीज में जाकर उसकी खोज में निकलता है। इस जर्नी में वो रियलिटी और इल्यूजन के बीच उलझे होते हैं और उसकी खुद की पस्त से जुड़ी राज खुलते हैं। रेमिनिसेंस एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जिसमें नुआ स्टाइल स्टोरी टेलिंग, फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। लिसा जॉय का ये क्रिएशन नॉट ओनली थ्रिलिंग है बल्कि वो एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन भी है जिसमें टाइम, मेमोरीज और ह्यूमन नेचर के इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म व्यूअर को एक इमर्सिव और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस देता है जहां प्रेजेंट और पास्ट का इंटरप्ले एक इंट्रीगिंग नैरेटिव बना। नंबर 2, एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें हम फिर से माइल हैं जोए, टेलर रसल और बेन लोगन मिला जो पहली फिल्म एस्केप रूम में बच गए थे। इस बार उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रीवियस एस्केप रूम एक्सपीरियंस सिर्फ एक चक्कर था और एक और डेडली टूर्नामेंट शुरू हो गया है। जोए और बेन दूसरे सर्वाइवर्स के साथ मिलके एक नए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लाइफ थ्रेटनिंग एस्केप रूम्स में फंसे हैं। हर रूम एक अलग चैलेंज और डेंजर के साथ आता है जिसे उन्हें अपनी इंटेलिजेंस और टीम वर्क का यूज करना पड़ता है। इस टूर्नामेंट का पर्दाफाश होते होते उन्हें अपने डार्क पास्ट से भी डील करना पड़ता है। फिल्म सस्पेंस और थ्रिल्स के साथ भरी हुई है
जहां हर कदम पे एक नया राज खुलता है। जोए और बेन को अपने स्किल्स और इंजीन्यूटी का यूज करके अपने जहरीले खिलवाड़ों से बचना होगा, वरना उनका सामना एक और फेटल गेम ओवर के साथ हो सकता है। एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस एक माइंड बेंडिंग और ग्रिपिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो व्यूअर को अपने सीट्स पे बांधे रखेगा। नंबर 1, द कार्ड काउंटर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे पॉल श्रेडर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के प्रोटैगनिस्ट विलियम टेल ऑस्कर आइजक एक स्किल्ड गैम्बलर है जो अपने डार्क पास्ट से भटक रहा है। वो एक जेल सेंटेंस के बाद भी अपने कार्ड काउंटिंग स्किल्स का यूज करके वेगास में पोकर टेबल्स पे रहता है। विलियम को एक यंग मैन सर्क टाई शेरिडन से मिलता है जिसका अपना डार्क पास्ट है। विलियम डिसाइड करता है कि उसे मेंटर करेगा और उसकी लाइफ को ट्रैक पे लाएगा। इस जर्नी में विलियम का पास्ट उसके साथ चक्कर खाता है, स्पेशली व्हेन ही एनकाउंटर्स अ मिस्टीरियस वुमन नेम्ड ललिंडा टिफनी हैडिश जो उसके पास्ट से जुड़ी रहस्य है। फिल्म रिडेम्पशन गिल्ट and the consequences of one's actions पर focus करता है। विलियम की जर्नी पोकर टेबल से लेकर अपने इनर डीमन से लड़ने तक का सफर है। श्रेडर की सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग के साथ द कार्ड काउंटर एक इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है जो ऑडियंस को एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन मोरालिटी और रिडेम्पशन देने में कामयाब है।